सो गाइस, लास्ट टॉपिक में मैंने आप सभी से डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग इन लुब्रिकेंट बिजनेस और ट्रेड क्यों करना चाहिए, क्योंकि अभी तक बहुत से लोग यही जानते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ शेयर मार्केट में होती है, बाकी ट्रेडिंग नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो भी स्पेयर पार्ट्स लुब्रिकेंट बिजनेस करते हैं, ये भी एक ट्रेड है। ट्रेडिंग करना क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या-क्या फ़ायदे हैं, और जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा अनडिस्कवर्ड टॉपिक है, और आज तक इस पे यूट्यूब पे शायद ही किसी ने इन्फॉर्मेशन दी हो, साथ ही साथ आपको गूगल सर्च पे भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि आपको इस बिज़नेस के बारे में बताऊं और आप इससे कुछ सीख सकते हैं। देखो, एक तो ट्रेडिंग करना क्यों बेहतर है और इसको क्यों आप लोगों को करना चाहिए। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग करने में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम इन्वेस्टमेंट लगता है। इसका फायदा है वो यही है कि ट्रेडिंग में जो इन्वेस्टमेंट है बहुत कम है। दूसरा ये कि इसमें जो रेंज है प्रोडक्ट्स की वो वाइड रेंज है, और बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिलने वाली है, क्योंकि मार्केट में आप अगर सर्च करने पे जाएंगे तो आपको लुब्रिकेंट की मेरे हिसाब से 300 से 400 कंपनियां मिल जाएंगी ट्रेडिंग अगर आप करते हैं। दूसरा, तीसरी बात ये कि इसमें आपका कोई सीधा सीधा कॉम्पिटिटर नहीं होता है। आपके पास तो सारे प्रोडक्ट हैं, तो आपका कॉम्पिटिटर नहीं जल्दी, और ये बिजनेस बहुत कम लोग खोलते भी हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, स्पेयर पार्ट की शॉप खोल ली या लुब्रिकेंट बिजनेस किया तो किसी एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया और उसके थ्रू बिजनेस करने लगे, ठीक है। और स्पेयर पार्ट्स में अगर कोई करेगा तो उसने हीरो का आउटलेट खोल लिया, बजाज का खोल लिया, बट आप देखिएगा कि कभी आपने मल्टी ब्रांड शॉप नहीं देखी होगी लुब्रिकेंट की, और अगर देखी भी होगी तो बहुत कम जगहों पे देखी होगी। तो ये एक अनडिस्कवर्ड टॉपिक, मैं इसीलिए इसको बोल रहा हूँ कि लोग इतना जो है सोचते नहीं है, या शायद उतना वो दिमाग नहीं लगा पाते हैं उस जगह पे। तो मेरा आपसे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे कोई ना देखता हो। और कई बार आप लोग भी इस चक्कर में स्किप कर जाते हैं, अगर आपके दिमाग में आइडिया आया कि अरे ये मैंने बिजनेस देखा तो है नहीं मार्केट में, मैं क्यों इस बिजनेस में करूँ। लेकिन एक्चुअली में ये बिजनेस अगर आप करते हैं तो बहुत फायदा होने वाला। अब मैं इसके फायदे की बात करता हूँ और इसमें कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो, जब भी आप ट्रेडिंग करो तो ट्रेडिंग में आपका जो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स है बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अच्छी कंपनियों का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनका प्रोडक्ट आपके पास होना ही चाहिए। और जो रेंज है, रेंज को कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मीटअप करा पाएँ। तो जब आपके शॉप में या जब आपके आउटलेट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे तो बहुत कम चांसेस होंगे कि वहाँ से कस्टमर वापस जाए। तीसरा ये कि देखो, इसमें एक तो आपके कॉम्पिटिटर हैं बहुत ही कम होते हैं, कॉम्पिटिटर लगभग लगभग ना के बराबर होते हैं, क्योंकि बहुत लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें आप डायरेक्ट प्रॉफिट जो है 25 से 35%, 40% तक प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। अभी मैं और पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो देखो, ट्रेडिंग में क्या है कि आपके पास, आप उसमें सस्ते प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपने कैस्ट्रोल, मोटुल, गल्फ, हीरो इन सब का भी रख लिया, रिलायंस, वीडॉल, इन जो भी शेल, जो भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके आपने प्रोडक्ट रखे। बट क्या होता है कई बार, ज़रूरी नहीं कि कस्टमर, देखिए मार्केट में हर टाइप का कस्टमर होता है, सस्ता वाला भी खरीदता है, मिड रेंज का भी खरीदता है और महंगा वाला भी खरीदता है। तो आपको क्या करना है, आपको कस्टमर अपना रिटेन करना है। आपको करना है कि कस्टमर आपकी शॉप पे आए बट वहाँ से वापस ना जाए, जाए तो प्रोडक्ट लेके ही जाए, अगर वापस जाता है तो दोबारा वो शॉप पे नहीं आएगा। तो हमेशा कोशिश करिए कि सारे जो भी आप कंपनियाँ चूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए वो बेस्ट कंपनीज होनी चाहिए। दूसरा, और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, बहुत सस्ता प्रोडक्ट मत अपनी शॉप में रखिए कि आपने 100 रुपये वाला कोई ऑयल रख लिया, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को निग्लेक्ट करिए। एक मीडियम क्वालिटी और एक बहुत अच्छी क्वालिटी और एक सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, ये तीन टाइप के प्रोडक्ट आप अपनी शॉप में रखिए, और कस्टमर जब भी आए तो उसको कन्वे करिए अच्छे से अच्छा लेने को। अगर कोई सस्ता वाला है तो उसको सस्ता वाला दीजिए, कोई मिड रेंज का है तो उसको मिड रेंज का दीजिए,
और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने एरिया में R&D पूरा करें, सो दैट आपको पता लग सके कि यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर कितने हैं और ये आपको कहाँ पे कंपटीशन दे सकते हैं, ये चीज़ भी आपको पता करनी होगी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं ये भी पता करिए उनके बारे में कि ये कौन से प्रोडक्ट चलाते हैं, किस कंपनी के चलाते हैं और कौन सी कंपनी के इनके पास वैरायटी क्या क्या है प्रोडक्ट्स की, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आप कर सकते हैं। दूसरा ये एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ट्रेडिंग करने के लिए जो है सबसे पहले तो आपने सेटअप कर लिया एक अच्छी सी जगह पे और एक अच्छी शॉप आपने खोल ली, बैठ गए, बट आपने देखा कस्टमर नहीं आ रहे, तो कस्टमर आने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लाइक एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा मार्केटिंग और सेल्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप डायरेक्ट कस्टमर चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप शॉप जो है वो पब्लिक प्लेस पे ही खोलते हैं, तो लोगों को अपनी शॉप के जो पैम्फलेट होते हैं या पोस्टर्स होते हैं वो सर्कुलेट कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो लोकल के मैकेनिक हैं या लोकल में जो भी एरिया, जब आप खाली टाइम हो, मान लीजिए शॉप में हफ्ते में एक दिन छुट्टी रहती है, तो उस छुट्टी वाले दिन आप लोगों मैकेनिक से जाके मिलिए और उनको अपनी शॉप का एड्रेस बताइए। जब आप कंटिन्यूसली विजिट करते हैं किसी भी शॉप पे तो फिर आपको वहाँ से रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है, तो कंटिन्यू विजिट आपको मैकेनिक के पास और जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे हमेशा करते रहना है। जब कंटिन्यू विजिट करना बहुत इसलिए भी ज़रूरी है कि देखो इसमें आपका कस्टमर से एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होता है, और जब एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है तो आपको उस फायदा जो है बिजनेस में आपको आने लगता है, तो कस्टमर रिटेंशन भी बहुत ज़रूरी है और इसको भी करना आपको चाहिए। तो लुब्रिकेंट बिजनेस में ट्रेडिंग इसलिए भी आपको करना चाहिए, साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस लेवल है जो आपका वो इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज कैसे होगा, जैसे आज आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको उसी कंपनी का एक्सपीरियंस है, इसके अलावा आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है अदर कंपनियाँ क्या कर रही हैं, अदर ब्रांड में क्या चल रहा है। जब आपके पास 20 तरीके के अलग अलग ब्रांड होते हैं तो आपको हर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हो रहा है, इसमें हमें क्या मिल रहा है, दूसरे का डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या मिल रहा है, तीसरे में क्या मिल रहा है, अलग अलग स्कीम्स भी चलती हैं कंपनियों की तरफ से, तो उनका भी फायदा आपको मिलता है, जिसकी जैसी सेल होती है उसका वैसा अपना फायदा होता है। तो मेरा यहाँ सिर्फ आपसे इतना कहने का मतलब है, बिजनेस एक ऐसा चूज करिए जिसमें बहुत से कम लोग आना या जिनको पता नहीं है आना नहीं चाहते और या डरते हैं। तो देखिए मैं आप सभी से, मैंने पहले भी कहा है कि बिजनेस हमेशा जो है रिस्क पे होता है, इसमें 50-50 चांस होता है स्टार्टिंग में, बट जब आप एक बार करने लगते हैं तो ये चांस 95% प्रॉफिट में हो जाता है और 5% जो होता है वो लॉस में जाने का रहता है। तो 95% मुझे लगता है रेशियो एक बहुत अच्छा रेशियो है कि अगर आप मेहनत करते रहते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं और अच्छे ट्रैक पे चलते हैं तो आपको कभी भी लॉस या आपको नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी और आप हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट आप कर पाएंगे और एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन पाएंगे। तो मुझे लगता है आज के वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी ट्रेडिंग के बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी पूरा देखना, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो इस ट्रेडिंग बिजनेस से जुड़ी हुई है। तो अभी अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है, तो अपना टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से रहिए। नीचे इंस्टाग्राम का एड्रेस आ रहा है, फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल को फॉलो करिए।